मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करनाल दौरे का दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं मुलाकात। वार्ड नंबर 5 में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुन रहे हैं मुख्यमंत्री। पार्टी को मजबूत बनाने की रणनीति पर भी चर्चा कर रहे हैं प्रदेश के मुखिया। आपको यह भी बता दें कि बीते कल भी कार्यक्रम थे मुख्यमंत्री के, वार्ड नंबर 4, 14 और 15 में कल कार्यक्रम किए, आज वार्ड नंबर 5 में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। जीत का मंत्र यहां पर दिया जा रहा है, किस तरीके से संगठन को और मजबूत करना है उसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों को कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, लोग अपनी समस्याओं को लेकर भी मुख्यमंत्री के सामने पहुंचे हुए हैं, उनकी समस्या का समाधान भी यहां पर मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ लोकसभा और विधानसभा में जीत का मंत्र भी देते हुए मुख्यमंत्री यहां पर नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करनाल दौरे का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी कई कार्यक्रम हैं, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अभी वार्ड नंबर 5 में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और लोगों से बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है वार्ड नंबर 5 की। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु नारंग जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जानकारी चाहेंगे, आज दूसरा दिन है मुख्यमंत्री के प्रवास का, दूसरा और आखिरी दिन, क्या कुछ आज के दिन खास रहने वाला है क्योंकि वार्ड नंबर 5 में मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं? देखिए, बात की जाए अगर सीएम मनोहर लाल की तो उनका विधानसभा क्षेत्र है करनाल और आज दूसरा दिन है। कल की बात की जाए तो कल उन्होंने वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 14 और वार्ड नंबर 15 के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की थी और उनकी तमाम समस्याओं को जाना था और उनका समाधान किस तरीके से किया जाए इस पर भी चर्चा की गई थी। वहीं आने वाले समय में नगर निगम के चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव होंगे और उसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे, तो उसकी रणनीति भी तैयार की गई थी। जब भी मुख्यमंत्री करनाल दौरे पर आते हैं, उनके पास वक्त होता है, तो वो अलग अलग वार्ड की अपनी एक ड्यूटी लगाई हुई है और वहां पर आकर वो तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। आज दूसरा दिन है, सबसे पहले वो उन्होंने आज दिन की शुरुआत एक उस अभ्यर्थी के घर गए जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया था और 101 रैंक हासिल किया था, मनस्वी शर्मा, उनके परिवार के तमाम सदस्यों को उन्होंने बधाई दी। उसके बाद वो वार्ड नंबर 5 में पहुंचे हैं जहां पर वार्ड नंबर 5 के पार्षद मौजूद हैं, मेयर रेणु बाला गुप्ता मौजूद हैं, साथ ही साथ जो जिला अध्यक्ष हैं योगेंद्र राणा वो मौजूद हैं और सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं। कोई सड़क की समस्या है, कोई पानी की समस्या है, कोई सीवरेज की समस्या है, जो नगर निगम के अंडर वार्ड के अंदर जो समस्या आती है वो समस्याएं बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से रखी जा रही हैं। उसके बाद सीएम मनोहर लाल ये बात करेंगे कि किस तरीके से उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता ही वहां पर हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी ये भी लगाई जाती है कि आम पब्लिक को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं वो भी इस मीटिंग के अंदर रखी जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर कल की जो तीनों मीटिंग थी उसमें चर्चा की गई कि उसको लेकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं विषय आज की मीटिंग में भी रह सकता है। और उसके बाद चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से बूथ लेवल पर नए नए कार्यकर्ता जोड़े जाएं और पार्टी को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए। क्योंकि हिमांशु बात करेंगे, लगातार खुद मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और मंत्री भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से एक महीने के अंदर ही मुख्यमंत्री का यह दूसरा दौरा है करनाल पर और लगातार अपने विधानसभा हल्के में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। तैयारी 2024 को लेकर सकते हैं, तैयारी 2024 को लेकर है, क्योंकि इसी साल के अंत में नगर निगम चुनाव होने हैं करनाल के अंदर और हम कह सकते हैं कि अगर नगर निगम में बीजेपी पार्टी मजबूत रहती है तो उसका असर सीधा लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर भी पड़ेगा, और अगर नगर निगम चुनावों के अंदर बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है तो उसका असर भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए नींव से शुरू करना चाह रही है बीजेपी, और पिछले दिनों जब बीजेपी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ था तब भी सीएम मनोहर लाल यहां पर आए थे, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की थी, तो लगातार सीएम मनोहर लाल का करनाल के अंदर दौरा देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने पूरे राज्य के अंदर जाना है लेकिन विधानसभा क्षेत्र उनका करनाल है, तो
तो ऐसे में रणनीति तैयार की जाती है तमाम नेताओं के साथ, तमाम विधायकों के साथ, और जो यहाँ की मेयर हैं और जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ, क्योंकि बहुत सारे वार्ड हैं और कई वार्ड के अंदर बीजेपी के पार्षद हैं, और अगली बार भी वो पार्षद जीत कर आए, चुन कर आए, इसके लिए बूथ लेवल पर पार्टी को काम करना पड़ेगा, क्योंकि आठ साल नौ साल के आसपास का वक्त हो चला है, और ऐसे में कहीं खामियाबी देखने को मिलती है, कहीं बहुत सारी अच्छी चीजें भी देखने को मिलती हैं, लेकिन आम पब्लिक में कुछ समस्याएं होती हैं, जिसमें पानी, सड़क, सीवरेज, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, या तहसील में किसी कागज की, किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री ना होना, तो ये समस्याएं जब आम आदमी को आने लगती है तो वो कहीं ना कहीं परेशान होता है, और वो सरकार के किसी मंत्री या विधायक के पास जाता है कि ये समस्याएं आ रही हैं, इसका समाधान होना चाहिए। तो उन्हीं बातों पर, उन्हीं विषयों पर इन मीटिंग में चर्चा की जाती है और एक रणनीति तैयार की जाती है कि तमाम परेशानियों का किस तरीके से समाधान किया जाए। हिमांशु, एक सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि लगातार बीजेपी के तमाम मंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जगह जगह तमाम जिलों में जा रहे हैं, जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे में अगर करनाल की बात की जाए तो करनाल की जनता का क्या मूड है? देखिए, जनता का मूड चुनाव तक कई बार समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो अपने जो मत को आखिर तक छुपा कर रखना चाहती है, लेकिन जब सीएम मनोहर लाल आते हैं तो आम पब्लिक यहाँ पर पहुँचती है और उनके सामने अपनी समस्याएं रखती हैं कि ये समस्याएं हैं, इनका समाधान होना चाहिए। करनाल शहर के अंदर विकास भी हुआ है, लेकिन और तेजी से आम पब्लिक विकास चाहती है कि तेज गति के साथ विकास हो, और करनाल और आसपास के इलाके हैं उसमें प्रगति हो, उन्नति हो, बिजनेस आए, जहां पर सड़कें टूटी हुई हैं वहां पर सड़कें बने, जहां पर पानी की समस्याएं हैं वहां पर पानी समय पर उपलब्ध हो। तो इन्हीं तमाम बातों को मॉनिटर करने के लिए सीएम मनोहर लाल अधिकारियों के साथ भी मीटिंग करते हैं, चाहे वो नगर निगम के अधिकारी हों, चाहे प्रशासन के अधिकारी हों, और कानून व्यवस्था को किस तरीके से सुधारा जाए इस पर करनाल के जो एसपी हैं, डीएसपी हैं, और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके साथ भी मीटिंग रहती है जब भी सीएम मनोहर लाल रहते हैं। और कल लोगों को उम्मीद भी है, क्योंकि आज दूसरा दिन है सीएम मनोहर लाल का, और ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि कोई बड़ी सौगात